सारे माता पिता को भी मेरा हरिओम। तो कक्षा सात के बच्चों देखो, ये है बसंत आपके हिंदी किताब भाग दो। पहले हम बसंत भाग एक पढ़ चुके हैं, है ना, हमारे क्लास में आप पढ़ चुके हो ना क्या, कि बसंत भाग एक जहाँ पर पहला कविता था, याद है आपको वो चिड़िया जो आज हम पढ़ेंगे उसी तरह यहाँ पर आपके कक्षा सात में भी एक कविता है। चलो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, आपको पक्षी पसंद है, चिड़िया देखे हो कभी घर पे, पाले हो तोता मैना ये सब कुछ भी घर पे चिड़िया पाले हो, नहीं पाले हो, मतलब जब वो आप जो घर में पालते हो चिड़िया बहुत अच्छा लगता है, जब वो बात करते हैं तो बहुत खुशी होती है ना, उनको हम पिंजरे में बंद करके रखते हैं ताकि वो उड़ ना जाए। तो आज हम उनके बारे में एक कविता पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो आपके पहला कविता का नाम क्या है, इसका नाम है हम पंछी उन्मूल गगन के, ठीक है। तो जो कविता लिखते हैं हम उसे क्या कहते हैं बच्चों, आप तो कक्षा छह में जानते हो, तो उसको कवि कहते हैं। तो इस कविता के कवि का नाम है क्या, शिव मंगल सिंह सुमन। कविता का नाम क्या है, हम पंछी उन्मूल गगन के। तो आपका पहला कविता पहला पाठ निकालो, ठीक है, अब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो मैं पंक्ति पूरा सारा पढ़ूंगी, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मूल गगन के पिंजर बद्ध ना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ये पहला पंक्ति। दूसरा देखो, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो अब तीसरा पढ़ेंगे, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु के फुनगी पर के झूले। अब चौथा, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले चुभते तारक अनार के दाने। अब पढ़ेंगे पांचवा, ठीक है। तो होती सीमाहीन खितिज से हम इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो खितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। और छठा, नीर न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हो तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो, ठीक है। तो चलो हम इसको समझते हैं कि यहाँ पर क्या है। कभी जो अपने मनों की भावना को छोटे से जगह पर कविता के आकार में लिखे हुए हैं, किसके, पक्षी के बारे में कभी अपने मन में जो आया वो इस कविता में लिखे हैं। कवि कौन है बच्चों, शिव मंगल सिंह सुमन। और जो इसके कठिन शब्दार्थ है मैं यहाँ पर श्याम पट में लिखी हूँ पूरा, इसको अपने कॉपी में उतारना, ठीक है। अब देखो शुरू करते हैं, हम पंछी उन्मूल गगन के पिंजर बद्ध ना गा पाएंगे। तो हम क्या है, हम पंछी है, उन्मूल गगन मतलब खुला आसमान के हम पंछी हैं, हम पिंजरे में बंद होकर नहीं रह पाएंगे, वहां पर खुशी से गाना नहीं गा पाएंगे, ठीक है। कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे, कनक तिलियों मतलब कनक मतलब स्वर्ण सोना, सोने सोने की तिलियों, तिलियों मतलब पिंजरा, सोने के पिंजरे की सलाखे में हमारा पुलकित मतलब कोमल कोमल सा पंख स्वर्ण से स्वर्ण तिलियों में टकरा कर टूट जाएंगे, हम पिंजर बंद ना गा पाएंगे, ठीक है। तो हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, जो नदियों में जल बहता रहता है वहीं से हम जल पीते हैं, हम पिंजरे में बंद रहकर तो भूखे प्यासे ही मर जाएंगे, है ना। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, तो बाहर हम अपने मर्जी से घूम फिर कर कनक सॉरी बच्चों कटुक निबोरी, कटुक निबोरी मतलब कड़वी नीम, कड़वी नीम हम खुद अपने मर्जी से निकाल कर तोड़ कर खाते हैं, और जब भी पिंजरे में बंद करके हम कनक कटोरी मतलब सोने का एक पदार्थ जिसमें खाना खाया जाता है, तो सोने की कटोरी में
बंद होके रहना हमें अच्छा नहीं लगेगा। हमें खुला आसमान में उड़कर अपने आप से कटुक नींबू रिकट भी नीम चाहे हम तोड़ के खाए, लेकिन वही हमें अच्छा लगेगा, वही हमें पसंद है। हम पिंजरे में बंद नहीं रह पाएंगे। तो ये पक्षियां जो है वो अपने मनों के भावना को यहाँ पर प्रकट कवि के द्वारा प्रकट किए हुए हैं। ठीक है, तो देखो, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। जो स्वर्ण श्रृंखला है, सोने की जो श्रृंखला है, सोने का जो पिंजरा है, उसमें हम बंद रहकर हम अपने गति और उड़ान को सबको भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बस पिंजरे में बंद रहकर बस यही सपना देख रहे हैं कि कैसे हम तरु के फुनगी, मतलब पेड़ों के सबसे, तरु मतलब क्या है, पेड़, तो तरु की फुनगी, फुनगी मतलब पेड़ के सबसे ऊंचा चोटी, जहाँ पर हम घूमते थे, फिरते थे, खेला करते थे, मजे करते थे, मस्ती करते थे, बस वो अब आज हम वो सब कुछ सपने में ही देख रहे हैं। पिंजरे में बंद रहकर हम बहुत दुखी हैं। ठीक है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हमारा अरमान, हमारा इच्छा कुछ ऐसा था कि नीले नभ की सीमा को पाने के लिए हम छूने के लिए हम चाहते, नीले नभ मतलब नीला आकाश, उसको हम छूने की कोशिश करते थे। वही हमारा अरमान, वही हमारा सपना था। ठीक है, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। लाल किरण सी चोंच मतलब अपना लाल सा मुख खोल कर चारों के दानों रूपी अनार के दानों रूपी तारों को हम चुगते थे, खाना चाहते थे। उसे हम आ करके मतलब अपना चोंच खोल के उसको हम मुंह में लेना चाहते थे। यही सब खेल हम खेलना चाहते थे आकाश में उड़ते हुए। ठीक है, तो देखो, होती सीमाहीन खितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। खितिज मतलब जहाँ जहाँ ना दूर से धरती और आसमान मिलता हुआ नजर आता है। ठीक है, वो होता है, उसे खितिज कहा जाता है। होती सीमाहीन मतलब असीम, जहाँ सीमाहीन होता है, जिसका कोई अंत नहीं होता है। ठीक है, जहाँ सीमाहीन खितिज से हम इन पंखों की होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी मतलब एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो चाह होता है, उसे हम होड़ा होड़ी मतलब कभी यहाँ पर होड़ा होड़ी का नाम दिए हैं। देखो, होती सीमाहीन खितिज, जहाँ पर आसमान और धरती मिलते हुए नजर आते हैं, वहाँ हम अपने एक दूसरे से हम आगे पीछे जाकर वहाँ उस सीमा में हम पहुँचना चाहते, उस खितिज को हम छूना चाहते थे। या तो खितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, मतलब या तो हम उस खितिज को ही पा लेते, यही हमारा प्राण ही क्यों ना चला जाता। लेकिन हमें ऐसे पिंजरा में बंद मत करो, हमें ऐसा मतलब ऐसे दुखी मत दो, हमें तड़पाओ मत, हमें चाहे हमें ऐसे छोड़ दो, खुला छोड़ दो कि खितिज हमारा मिलन हो जाए, या फिर हमें कुछ ऐसा करो कि हमारा प्राण ही ले जाओ। ठीक है, तो नींद न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। नींद न दो टहनी का, टहनी मतलब एक मोटा सा वृक्ष के डाले में जो पतला सा डाल होता है ना, उसको टहनी कहते हैं। हमें उस टहनी पर जगह मत दो, वहां पर हमें हमारा घोंसला बनाने की जगह मत दो, हमारा घोंसला भी छिन्न भिन्न कर डालो, तोड़ दो हमारे घोंसले को। लेकिन पंख दिए हो तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। लेकिन हमारे जो हमें भगवान ने हमें पंख दिए हैं, तो हमारे आकुल, हमारे जो उड़ान है, हमारे उड़ान में आप विघ्न मत डालो, बाधा मत डालो, हमें उठने दो, हमें ऐसे पिंजरे में तो बंद मत करो। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा। क्या समझे बच्चों, क्या सीखे हम यहाँ पे, यहाँ से, कि हम किसी पक्षी को ऐसे पिंजरे में बंद करके उसके उड़ान में विघ्न डाल के उसको तड़पाए नहीं, बल्कि उसको उसी के जगह पर छोड़ दे। और उसका जगह कहाँ पर है, खुला आसमान में है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हरिओम।